Hello students, today we will start introduction of chapter 1 exercise 1.2. It is an introduction video, okay, for exercise 1.2. So let's start. What is empty sets? Aaj hum baat karenge empty sets ke baare mein, theek hai? Empty sets ko hi null set aur void set bhi कहा जाता है. इट इज कॉल्ड नल सेट और वॉइड सेट ऑल्सो. एंड वॉट इज इट्स डेफिनेशन? इफ अ सेट डज नॉट कंटेन, इफ अ सेट डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट, देन इट इज कॉल्ड अ नल सेट और एम्प्टी सेट और वॉइड सेट. एंड इट इज डिनोटेड बाय, इट is denoted by phi, ठीक है? ग्रीक लेटर है phi, उससे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं और like this, ठीक है? इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है? अब ये है क्या, जस्ट टेक एन एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं. इफ आई सेट ए एक ऐसा सेट है जिसमें x एक एलिमेंट है, x इज greater than 5 and less than 6. अगर मैं कहूं कि मेरे पास एक x ऐसा एलिमेंट है जो कि 5 से greater than है, बड़ा है, और less than 6 से है, ठीक है? और यहां पर एक बात और लिख लेते हैं, x is a natural number, ठीक है? x कैसा है, एक नेचुरल नंबर है जो कि ग्रेटर देन 5 और लेस देन 6 है, ठीक है? तो इन दैट केस क्या होगा, क्या हमें कोई नंबर ऐसा मिल सकता है? वी कैन चेक ऑन नंबर 9 जो कि 5 से तो बड़ा हो लेकिन 6 से छोटा हो, ठीक है? ऐसा कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है. तो इस केस में होगा क्या, इसकी वैल्यू सेट की क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी. सो ए विल बी 5, ठीक है? क्लियर? नाउ टेक वन मोर एग्जाम्पल. If I say I have a set where x is that x square equals to 4, okay? Where x is an even prime number, जहां पर x क्या हो, एक prime number हो, वो भी कैसा, even prime number, ठीक है? So let us solve it. X square equals to 4, it will give x equals to plus minus 4, plus minus 2, ठीक है? Plus minus 2 मिलेगा हमें, और उसने क्या बोला है, even prime number हो, ठीक है? X क्या हो, sorry, even नहीं, यहाँ पर odd लिखे, x is an odd prime number, कैसा number हो, odd prime number हो, ठीक है? तो क्या हुआ यहाँ पे, 2 तो कैसा है, even prime number है, odd prime number नहीं है, ठीक है? और एक बात हम इसमें ऐड कर सकते हैं, वेयर एक्स इज एन ऑड प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2, तो उस केस में भी क्या होगा, इस सेट की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 5 होगी, ठीक है? क्योंकि ये इसको कंटेन नहीं कर रहा है, ठीक है? नाउ टेक अनदर, दैट इज एम्प्टी सेट, तो हमने कर लिया, ठीक है? सेकेंड वन इज फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट, ठीक है? देर आर टू सेट्स, फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट, ठीक है? इन फाइनाइट सेट वी हैव काउंटेबल एलिमेंट्स, ठीक है? जिनको कि काउंट किया जा सके, ऐसे हमारे पास है काउंटेबल एलिमेंट्स हो जिसमें, एंड इनफाइनाइट सेट में अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल एलिमेंट्स. सो सिंपली वी कैन से इफ इन अ सेट वी हैव काउंटेबल एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर काउंटेबल, देन इट विल बी अ फाइनाइट सेट. सो हाउ कैन वी एक्सप्लेन इट, अ सेट कंटेन्स काउंटेबल एलिमेंट, काउंटेबल एलिमेंट्स, ठीक है, इज कॉल्ड
फाइनाइट सेट, ठीक है, उसको क्या बोला जाएगा, फाइनाइट सेट बोला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, इफ आई हैव नेचुरल नंबर, ठीक है, देन इट विल बी लाइक 1, 2, 3, 4, 5, सो हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर, 5 एलिमेंट्स, सो इट इज काउंटेबल। नाउ इफ अ सेट कंटेन्स अनकाउंटेबल एलिमेंट्स देन इट इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। सो फॉर एग्जाम्पल अगेन, इफ आई से आई हैव अ सेट वेयर 1, 2, 3, 4 नेचुरल नंबर का सेट है और 3 डॉट्स आर रिप्रेजेंटिंग इनफाइनाइट, सो हमें नहीं पता कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पर हैं, ठीक है, तो जिसमें हमें ये पता नहीं हो कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं वो होगा इनफाइनाइट सेट, और जिसमें हमें ये पता हो कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं वो होगा फाइनाइट सेट। ओके, पॉज द वीडियो टू बी नोटेड डाउन। ओके, नाउ इक्वल सेट्स, सो इक्वल सेट्स हाउ कैन वी डिफाइन देम, इफ टू सेट्स आर एग्जैक्टली सेम then they called equal sets, ठीक है, अगर हम ये कहें कि हमारे पास दो सेट हैं और के दोनों के एलिमेंट्स इक्वल हैं, ठीक है, ऑर्डर कैन बी चेंज, दोनों सेट्स के एलिमेंट्स इक्वल हैं बट उनका जो ऑर्डर है वो चेंज है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये मैं पहले भी बोल चुकी हूँ प्रीवियस वीडियोज में, ठीक है, तो इक्वल सेट्स है। इफ आई हैव A 1, 2, 3, 4 and 5 and I have a set B where 2, 3, 1, 3, 5, 4 and or we can say 5, 4, 3, 2, 1. So how will we check? We will check number of elements 1, 2, 3, 4, 5. There are 5 elements. So B may be 5 elements and C may be 5 element. ओके एंड चेक द एलिमेंट्स ऑल्सो, यहाँ पर 1 है, यस है, 2 है, यस है, 3, 4 and 5, यू विल चेक ऑल द एलिमेंट्स, ठीक है। अगर ऐसा होता है, इफ टू सेट्स आर एग्जैक्टली हैविंग सेम एलिमेंट्स, देन वी विल से दीज सेट्स आर इक्वल सेट्स, सो वी कैन से ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी, इसका मतलब ये तीनों सेट्स क्या हुए, तीनों इक्वल सेट्स हुए, ठीक है। Okay, thank you.